नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मनोकामना पूर्ति करने का एक और उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, मनोकामना, अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसको पूरा करने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको उपाय बताऊंगी, सिर्फ इस उपाय को करके आप अपनी कोई भी कितनी भी कठिन मनोकामना हो, कितनी भी इम्पॉसिबल वाली मनोकामना हो, उसे भी पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो पर मूव ऑन करते हैं, मगर उससे पहले आप लोगों से निवेदन करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी हिट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो पर मूव ऑन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको टोटका बताने से पहले कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, कुछ टिप्स देने वाली हूँ, उन्हें आपको ज़रूर फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़, तो अगर हम कोई टोटका करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उस टोटके को करते समय आपसे कोई भी कुछ पूछना नहीं चाहिए। मतलब उस टोटके के बारे में अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर आपको किसी ने देख लिया है तो वो आपको टोके ना, किसी भी चीज़ को लेकर वो कुछ बोले ना। मतलब टोटका करते समय आपको ना तो कुछ बोलना है, ना किसी के कोई प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि टोटकों को अगर टोक दिया जाता है तो वो काम नहीं करते। दूसरी चीज, टोटका करते समय या टोटका करने के बाद में मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। 100% विश्वास लेकर अगर आप उस टोटके को करेंगे तो आपकी टोटका, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, ठीक है। अगर आपके मन में 0.1% भी नेगेटिविटी होगी कि ये काम नहीं होगा या ये काम इम्पॉसिबल है, तो वो काम जरूर नहीं होगा। जब आप टोटका कर रहे हैं तो अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर आपको पूर्ण विश्वास रख के करना है, ठीक है। तो चलिए टोटका बताती हूँ। ये जो टोटका है इसमें आपको क्या करना है, सोमवार के दिन करना है इस टोटके को, ठीक है। सोमवार के दिन आपको क्या करना है, 21 बेलपत्र ले लेना है, ठीक है, जिसे बिल्व पत्र कहा जाता है, बेलपत्र लेना है, ठीक है। पूरे 21 आपको बेलपत्र ले लेना है। ध्यान रहे कोई भी बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, पूरी 3 पत्तियां उनकी बिल्कुल सही सलामत होना चाहिए, कहीं से भी कटी फटी नहीं होना चाहिए। 21 बेलपत्र ले लीजिए। 21 बेलपत्र लेने के बाद में उस पे जो सफेद वाला चंदन होता है, हर बेलपत्र पे आपको सफेद चंदन लगा देना है, ठीक है। सफेद चंदन लगाते समय आपको मन ही मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है। 21 बेलपत्र लेना है, उन पे सफेद वाला जो चंदन होता है वो लगाना है आपको। सभी पर आपको अपनी इस उंगली से सफेद वाला चंदन लगाना है, सफेद चंदन लगाते जाएं और मन ही मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते जाएं। एक आपको लगाना है, जैसे मान लीजिए आपने एक बेलपत्र पर लगाई बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरे पे लगाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ठीक है। ऐसे पूरे 21 पे आपको लगा देनी है। लगाने के बाद में आपको क्या करना है, इन बेलपत्र को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। आप चाहे तो ये काम वहां बैठकर भी कर सकते हैं, वहीं पर आप लगाते जाए और वहां पर आपको वहीं पर आप लगाते जाएं, ठीक है। पर वहां पर क्या होगा कि मंदिर की जो जगह होती है वहां पर कई लोग आते जाते रहते हैं, वो आपको देखेंगे। इससे अच्छा होगा कि आप घर पर ही बैठकर लगा ले, ठीक है, और फिर इन चंदन लगे हुए सभी बेलपत्र को आपको लेकर जाना है भोलेनाथ के मंदिर और एक एक करके आपको भोलेनाथ के ऊपर ये बेलपत्र अर्पित करना है, ठीक है। उनके ऊपर चढ़ाना है और चढ़ाते जाएं, अपनी मनोकामना कहते जाएं। एक बेलपत्र चढ़ाएं, अपनी मनोकामना कह दें, फिर बेलपत्र चढ़ाएं, अपनी मनोकामना कह दें। मतलब पूरे 21 बार आप 21 बेलपत्र चढ़ाएंगे तो पूरी 21 बार अपनी मनोकामना आपको कहनी है भोलेनाथ से और बस आप घर वापस आ जाएं। ऐसा आपको लगातार 5 सोमवार तक करना है, ठीक है। सिर्फ 5 सोमवार तक आपको इस उपाय को करना है। 5 ही सोमवार के अंदर आप देखेंगे आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बहुत ही असरदार, बहुत ही ज़्यादा वाला, जो कहते हैं कि पावरफुल वाला उपाय मैंने आपको बताया है, आप इसे ज़रूर करें और बहुत ही कारगर रहेगा। और शिवरात्रि आ रही है, अगर आप इस उपाय को शिवरात्रि के दिन से शुरू करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा काम करेगा आपके लिए। आप इसे करिए ज़रूर और फिर आपको जब रिजल्ट मिल जाए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। मन में विश्वास रख के, भोलेनाथ पर विश्वास रख के आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को ज़रूरत है इस तरह के उपाय की। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी हिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।